हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल अपसाइड डाउन इन्फो पर। दोस्तों, यदि आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे भारत देश में वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था। उस वर्ल्ड कप की फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और ये मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद में मौजूद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उस स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 1,32,000 के पास है। खैर, ये बात पुरानी हो गई। आज मैं आप लोगों को एक दूसरे नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम अहमदाबाद से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर BCA द्वारा बन के तैयार होने वाले बड़ौदा के पास बन रहे कोटम्बी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करने वाले हैं। यह स्टेडियम बड़ौदा हालोल हाईवे पे मौजूद कोटम्बी गांव के पास बन रहा है, इसीलिए अभी ये स्टेडियम का नाम BCA यानी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कोटम्बी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया है। लेकिन यह कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। ऑफिशियल नाम जब आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह स्टेडियम का नाम क्या होगा और क्या रखना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यह स्टेडियम पूरे 42 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। उसमें 35,000 लोग बैठ सके इतनी कैपेसिटी रखी गई है। इस स्टेडियम का काम 2019 में कोरोना के काल में शुरू हुआ था। यह स्टेडियम का बांधकाम लगभग अब 95% पूरा हो चुका है। उस काम के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया गया है। उसमें से 50% सब्सिडी BCCI देने वाली है। यह स्टेडियम 3 मंजिला बनवाया गया है। यह स्टेडियम को अब आखिरी ओप दिया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक BCA के प्रमुख ने दावा किया है कि यह स्टेडियम के लिए रास्ते की जमीन को लेके थोड़ा इश्यू आया है, लेकिन बड़ौदा के 2 सीनियर MLA के साथ और गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल के साथ बातचीत हुई है और गुजरात सरकार के साथ BCA रास्ता बनाने के लिए MOU करने वाली है। हाल में स्टेडियम के इंटीरियर का काम और चेयर लगाने का काम चल रहा है। दोस्तों, मिलती माहिती के हिसाब से कुछ दिन पहले ही BCA के प्रमुख ने दावा किया है कि कुछ ही समय में यह स्टेडियम का उद्घाटन होगा और गवर्नमेंट जब मंजूरी देगी तब इंटरनेशनल मैच भी खेला जाएगा। यानी कि 2024 आने तक यह कोटम्बी क्रिकेट ग्राउंड बन के तैयार हो जाएगा और 2024 के साल में इंटरनेशनल मैच भी खेला जाएगा। और तो और, BCA के प्रमुख ने ऐसा भी कहा है कि जनवरी 2024 के अंत तक ग्राउंड तैयार होने के बाद IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की गुजरात टाइटंस की टीम यहां प्रैक्टिस के लिए आएगी और उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम भी यहां प्रैक्टिस के लिए आएगी। यानी कि 2024 में IPL लीग की मैच भी यहां खेली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और हां दोस्तों, आप कोटम्बी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो वह वीडियो आप देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें इस कोटम्बी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कोई लेटेस्ट जानकारी मिलेगी तो हम दूसरा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करेंगे। जो भी लोग बड़ौदा या बड़ौदा के आसपास से बिलोंग करते हैं वो लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स को भी यह स्टेडियम के बारे में पता चले और आने वाले समय में उन फ्रेंड्स के साथ आप क्रिकेट देखने का प्लान भी कर सके। अपना कीमती समय देकर वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।